सर, मेरा नाम राणा है। मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से आया हूं और मुझे जो है अभी अंजू मैम ने बताया, मैं युवक मंगल दल से जुड़ा हुआ हूं, युवक मंगल दल अध्यक्ष हूं। तो अभी अंजू मैम से मीटिंग हुई थी, अंजू तो मैम कौन है? वो बीओ हैं हमारे जो हापुड़ में, पीसीएस अधिकारी हैं बीओ साहब। तो उन्होंने मुझे युवक मंगल दल के अंदर 35 कार्य बताए थे, उनकी फाइल भी बनवाई बाकायदा, जो जो हम कार्य करते हैं उनकी फाइल बनाते हैं। आयोग द्वारा वो आगे भेजी गई, वहां से मुझे 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी उन्होंने दिलाया। तो अभी परसों मीटिंग में मैं उनसे बात कर रहा था कि मैम कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे हमारे युवा जो आत्मनिर्भर बने या रोजगार प्राप्त कर सकें, कि कोई ऐसा व्यवसाय के बारे में हम सोचेंगे। तो तब मुझे मैम ने कावा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताया कि आप वहाँ जाओ, ट्रेनिंग लगाओ। वहां से आने के बाद में जो भी तुम्हारे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं युवक मंगल दल में, उनको ये बताओ और रोजगार जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं अब दे पाओगे। तो आपने यहाँ क्या अनुभव लिया और क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? आज मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग में काफी अच्छा लगा है। यहाँ से जाने के बाद में मेरे ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी को जो इस रोजगार के बारे में बताऊंगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको जो जाके समझाऊंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अंजू मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे व्यवसाय के बारे में बताया जिससे मैं अपने साथ साथ 10 लोगों को भी रोजगार दे पाऊंगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से भी कहना चाहूंगा कि युवा कल्याण विभाग में सारे जो मंगल दल है, अगर विभाग सोचे कि सभी मंगल दल को अगर छोटे छोटे व्यवसाय की अगर ट्रेनिंग मिल जाती है, प्रशिक्षण मिल जाता है, तो इस विभाग में बहुत सारे लोग जो जरूरतमंद है, जिनको बेरोजगार है, वो सब लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ विभाग को भी, इस बात को आप आगे शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रेम धार, उत्तर प्रदेश मऊ जिले से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट धन्यवाद करता हूँ जिनके द्वारा जो है कि मोबाइल पर शो करने के बाद हमने देखा और उनका प्रोग्राम देखकर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे हमको सब कुछ फिट मिला जी। खाना पीना और प्रोग्राम हर चीज सुविधा हमको बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं और लोगों से यहाँ आए और ये जो है ट्रस्ट का जो है जो फायदा लेना है लीजिए और अपना धंधा पानी कीजिए। बेरोजगारी से अच्छा है कि रोजगार करना। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। हर संडे के संडे आप देखते होंगे पर्सनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। किस चीज की पर्सनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है? पानी से पैसा, बिना मशीनों के पानी से सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं और कम से कम इन्वेस्टमेंट में 10-20 हजार में ये सारे शुरू होने वाले हैं। और आप अपने गांव क्षेत्र में, देहात में कहीं भी बेरोजगार है या एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप ये सारा बिजनेस कर सकते हैं। देश भर से यहाँ सभी लोग आते हैं, हर संडे आते हैं। 3100 रुपए फीस होती है जिसमें खाना, नाश्ता, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बुकलेट, आपका रुकने की व्यवस्था, यानी कि सारी चीजें होती है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। देश भर से आए सभी लोगों से बात करवाना चाह रहा हूँ। उससे पहले काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार कई जिलों में, देश भर के कई जिलों में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है और लगातार समाज के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारी, हम लोग, आपने देखी होगी आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो पूरे देश भर में लोगों ने खूब हमारा साथ दिया था और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। आगे बढ़ते हैं, आपकी बारी बारी बात करवाना चाह रहा हूँ। क्या इनके एक्सपीरियंस रहे, क्या इनको समझ में आया, कितने लोगों को अपने क्षेत्र में जाके रोजगार देंगे? चलिए, आपका नाम क्या है सर, कहाँ से आए? मेरा नाम संदीप है जी और रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे और कैसा आपको लगा? देखिए, आज तो पहली बार है, देख सुना था, तो जाके देखेंगे, मार्केट का पता करेंगे तब समझ पाएंगे। नहीं, इसके बारे में समझना है। नहीं, ये तो सब चीजें ठीक है, अच्छे से समझ में आई। जी, जी जी, आपका समझाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। आनंद यादव गुड़गांव से। जी जी जी, बढ़िया कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ने की प्रेरणा ही दे रहे हो। बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी जी जी, कहने का मतलब यह है कि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट को 2025 तक 5 लाख रोजगार पैदा करना है, इसकी कड़ी में आपको बताइए 3 मार्च 2024।
काव्य बेटी का जन्मदिन है, उसके मौके पर काव्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ काफी बड़े लेवल पे। आप सबका स्वागत है, सभी का सम्मान करता हूँ और आने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आगे हर संडे के संडे आइए, आपको सर्दी नहीं है और ना ही ऐसी कोई यहाँ दिक्कत है, कहीं से भी आइए, पूरे देश से आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आया है? मेरा नाम भंवरलाल वैष्णव है, मैं राजस्थान से आया हूँ जी। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला जी, और लोगों को इससे बहुत फायदा होगा जी। जी, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों को जब भी आओ तब इनको कॉल करके आओ, जैसी भी आपकी मांग होगी वो पूरी करें जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मैं सुरेश कुमार, दिल्ली से जी। और मैं आया, मेरे को जो है इन्होंने 10 प्रोडक्ट जो है बनाने सिखाए हैं जी, जिसमें जो है अपना क्या नाम है, इनकी तरफ से जो फैसिलिटी दी गई है वो दी गई है लंच, ब्रेकफास्ट और टी। 10 प्रोडक्ट में जो है सरफेस क्लीनर, ग्लास क्लीनर, हैंड वॉश, बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, टी पॉल, डिश वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर, इन सबको जो डिटेल से बनाना समझाया है इन्होंने, और बुकलेट भी दी है, और इसके साथ साथ जो मार्केटिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है इसकी भी जानकारी दी है। तो ये सब देख के जो है अच्छा भी लगा और सीख के भी जो है आनंद आया। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि इतना आए, और अगर आप बेरोजगार हैं या कुछ कर भी रहे हैं तो भी साइड बाय साइड बिजनेस हो सकता है, और यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी है ये। जी 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 जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? दिनेश वैष्णव, राजस्थान से हूँ मैं। मैं जितना सोच के आया था उससे बहुत ज्यादा मिला मेरे को यहाँ पे, थ्योरिकली और प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मोटिवेट होके जा रहा हूँ मैं यहाँ, बहुत अच्छा करूंगा, और सबको यही बोलूंगा जो सीखा है आज वो अपने उसमें लीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, लाइफ चेंज करने का अपने पास मौका है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आया? राकेश भारद्वाज नाम है मेरा, और सोनीपत से आया हूँ मैं, हरियाणा से। और यहाँ पे मैंने सब प्रैक्टिकल सीखा, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आया? मेरा श्री भगवान नाम है, आया तो राजस्थान से, बिहार के हूँ जी। और सब तो अच्छा लग रहा है सब देखने में, सीखा भी समझा भी सब कुछ, और क्या कहना, अपना धंधा पानी करेगा शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या और कहाँ से आया? सर मेरा नाम प्रकाश कुमार, राजस्थान से हूँ मैं। और सर यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे समझाते हैं, अगर फ्यूचर में कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ से बेस्ट नॉलेज और कहीं से नहीं मिलेगी जी। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, और जहाँ से भी मैंने समझा आपको सबसे बेस्ट लगा मेरे को। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर, कहाँ से आए? सर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद कांट से आया हूँ, और यूट्यूब पे मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा था, तो एक रोजगार की तलाश थी उसके लिए मुझे खोज थी, इसलिए मैं यूट्यूब चेक कर रहा था, तो एक काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में आके मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सुविधा काफी है, रहने का भी प्रोग्राम है, खाने पीने का सभी, और जो आपने बिजनेस समझाया है बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है, एक एक बात आपकी दिमाग में ऐसे घुसती चली गई, और मैं काफी खुश हूँ यहाँ से जाके इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहा हूँ। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं साइड में कुछ ना कुछ काम दूसरा भी डालें, ये भी डाल लें, और ये ना डालें कोई सा भी डालें, दो काम में हाथ रखें, सिंगल काम में कभी भी आपको धोखा मिल सकता है जी। बस यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे आए समझे बिजनेस को करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आए सर? सर मेरा नाम रामविलास है, मैं यूपी जिला सिद्धार्थनगर से हूँ। 2 महीना मैं देखा था इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बोला कि जाके करता हूँ। साउथ में मैं ड्राइवरी करता हूँ, वहीं से मैं आया हूँ, मैं सोचता हूँ खुद का बिजनेस करूँ, मालिक बन के जियो, नौकर बन के मत जियो। थैंक यू। क्योंकि अपने बिजनेस में कोई रिटायर नहीं होता है, नौकरी में तो देखो जब तक चल रहे तब तक ही मैटर है, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बिजनेस में कभी भी रिटायर नहीं होते, और आप जहाँ छोड़ोगे वहीं से आपके बच्चे शुरुआत करेंगे, इसलिए जो है आपको बिजनेस में आना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महफूज है, और मैं दिल्ली से आया हूँ। ये आपका प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं ये चाहूंगा कि और भी लोग जुड़े और सीखे और अपने जीवन का अच्छा शुरुआत करे, अच्छा काम करे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? सर मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है, मैं जलालाबाद शाहजहांपुर से आया हूँ जी।
और सर मैंने यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल पे आपका हमने प्रोग्राम देखा था, तो उसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाया हमको, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और मैं जॉब करता था प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि मैं अपना मतलब जो है प्रोग्राम स्टार्ट करूं, कुछ उद्यम लगाऊं जिससे मैं लोगों को रोजगार दे सकूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नौकरी से तो अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस खोलना है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अपना मतलब बिजनेस डालें, उसमें बहुत ही अच्छा इनकम रहता है और लाइफ टाइम के लिए अगली पीढ़ी तक मतलब काम करने के लिए आशाएं रहती हैं जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि आए सभी लोग काव्या मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को अच्छा मौका दिया जा रहा है, तो आके आप लोगों अपना जीवन सार्थक बनाए यहाँ पर। धन्यवाद। ओके सर जी, क्या नाम है सर, कहाँ से आए आप? हम लखनऊ हरदोई की तरफ से आए और हमें यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने मिला है और काफी अच्छा लगा, और आगे चल के इसको हम इसको रोजगार में बदलेंगे अपने, और काफी चीजें हमें जानकारी मिली और यहाँ पर आने के बाद सारी सुविधाएं मिली, रहने का खाने का सारा सब कुछ सही रहा और अच्छा भी रहा। और जल्दी अच्छा, किसी ने कोई पैसे वैसे तो नहीं दिया कहीं होटल में रात में रुके हैं तो? उन्होंने नहीं दिया ना? जी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया, जो कुछ है सब आपकी तरफ से हुआ है और सब कुछ सही मिला और खाना पीना सब कुछ अच्छा है, और अच्छा सीखे और आगे जाके इसको आपसे आपके सहयोग से हम लोग आगे काम करते रहेंगे। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आए? सर मोहम्मद मुजीब नाम है, हम तो बिहार से है, रहते हैं अपना खजूरी पुस्ता में, और आप लोग का ये चैनल देखें तो हम सोचे हम भी कुछ करें, इसीलिए आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बहुत बढ़िया है, दो पैसे का अपने सोचते हैं कमाने के लिए, बस आप लोग को कृपा रहे, साथ रहे, बहुत हमेशा रहेगा उसकी बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आए जी? सर मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हूँ, और मैंने आपका ये चैनल यूट्यूब पे देखा था और मैं इसी वजह से आया हूँ, और यहाँ बहुत आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और आने वाले समय के लिए ये बहुत ही अच्छा है, और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाई भी आप कर सकते हो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आए सर? सर मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ, यूट्यूब पे देखा था काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, यहाँ पर जो है आत्मनिर्भर जो है 5 लाख लोगों को 2 या 25 लाख रोजगार देने के लिए आप एक मेहनत कर रहे हैं, और काफी जो है जैसा देखा था वैसा ही पाया गया है, उससे बेहतर पाया गया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और जो है लोग यहाँ से अपना फायदा उठाएंगे भी सही, लोग यहाँ से सीख कर भी जा रहे हैं। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर आए और यहाँ रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, खाने की भी सुविधा अच्छी है, सिखाने का भी बहुत बढ़िया तरीका है, लोग ज्यादा से ज्यादा आए और जो है बड़ी नौकरी से अच्छा जो है छोटे मालिक बने। वो जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है और सर कहाँ से आए? जी मेरा नाम वसीम है और मैं मुरादाबाद से आया हूँ यूपी से, और मुझे यहाँ कर काफी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा समझाया, और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में काफी लोगों को आप रोजगार देंगे, और हमें भी काफी उम्मीद है अपने आप से भी और लोगों से भी कि यहाँ आए और काम देखें और अपना करें। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि यहाँ पर आए और नौकरी से अच्छा है कि अपना कारोबार करें और दूसरों को भी कारोबार दें। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आए? मेरा नाम अब्दुल सैद है, मैं यूपी अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ, और आपका जो ये प्रोग्राम है और जो ये सिखाया प्रैक्टिकल किया बहुत अच्छा लगा हमको, दूसरों को भी यहाँ आके सीखना चाहिए और प्रैक्टिकल सीख के समझ के जाना चाहिए, अपना रोजगार शुरू करना चाहिए। मैं सोनालाल केसरी फोर्ट सेवरिंग जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ जी। मैं पहले अपना नौकरी करता था, अभी नौकरी छोड़ करके हमारे गांव में जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, और मैंने जब आपका देखा यूट्यूब पे पिछले सप्ताह ही, तो मैं उसी समय बुकिंग कराया और यहाँ पे आया, रहने का खाने का सब ठीक है, अब मैं वहाँ गाँव में जाके अपना धंधा करूंगा और साथ में जितने भी रोजगार हैं उन लोगों को भी रोजगार देने का काम करूंगा। लोगों के लिए क्या कहना है? लोगों के लिए कहूंगा कि जो बेरोजगार हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके यहाँ आए और अपना सुनहरा विश्व बनाए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आए? सर मैं मुरादाबाद से आया हूँ, नाम फिरोज आलम है, मतलब मैं इसलिए आया था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, मतलब मैं बोला मुझे भी कुछ थोड़ी सी नॉलेज चाहिए काम के लिए, मुझे यहाँ नॉलेज आके मिली, बहुत अच्छा लगा,
आपकी दुआ से, मतलब वो फिर खाना फ्री, मतलब कोई सुबह को नाश्ता फ्री, सब चीज मतलब टोटल फ्री है। इस पर से बता रहे सभी लोगों का यहाँ धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और आने वाले सभी लोगों का स्वागत करना चाह रहा हूँ। हर संडे के संडे यहाँ पे ऐसे ही पूरे देश भर से लोग आते हैं, आप भी आइए। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलता हूँ, भारत माता की, भारत माता की। पूरे देश में ये बात जानी चाहिए, वीडियो को आप शेयर करते रहिए, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी किया करो, अच्छी बुरी वाली जो भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सभी से मैं निवेदन बार बार यही करना चाह रहा हूँ, देश भर से आइए, हमारा लक्ष्य है 5 लाख रोजगार पैदा करने। वो कैसे होंगे वो आपको भी पता है, एक आदमी अपने क्षेत्र में कोई भी एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करता है, बहुत कम पैसे में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो अपने कम से कम परिवार को तो रोजगार देगा, परिवार के साथ साथ अपने जो लोगों को कहीं ना कहीं उनको भी तो जोड़ेगा। कहने का मतलब है एक व्यवसाय या एक कहीं ना कहीं उद्योग लगता है तो बहुत सारे लोगों को वो रोजगार पैदा होता है उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हमारा वही काम है। आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का लगातार सपना है, उसी को हम लोग पूरा करने में लग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार पैदा होने चाहिए, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं, आप सबको पता है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है आप सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एक छोटा सा पौधा लगाओ, पौधा लगाने के बाद वो बड़ा जरूर होगा, समझ रहे हैं। आप इस क्षेत्र में आएंगे या किसी भी बिजनेस व्यवसाय में आएंगे तो वहां से शुरुआत आपके बच्चे करेंगे, जहां आप इसका समापन करेंगे। कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।